बड़ी सरकारी बिजली का तो झंझट है, कभी बिल ज्यादा कभी कम। अयो मैंने तो सरकारी बिजली का कनेक्शन ही कटवा दिया। अरे जब SJ इलेक्ट्रिसिटी वाला इतनी सस्ती बिजली दे रहे तो सरकारी बिजली कनेक्शन क्यों रखूं? बड़े पापा बिजली एक तरह से बिल्कुल पानी के भाव दे रहा है नी। पानी पानी आखिर कब बरसेगा पानी? उस ऊपर वाले के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे? हो सकता है वो हमारे कॉल के इंतजार में हो। आज मल्हार छेड़ी देता हूँ, ऐसा गाना गाऊंगा कि पानी बरस ही जाएगा। चमत्कार हो गया, आपने मल्हार गाया और बिजली कड़कने लगी, बारिश भी होने लगी। तो मैं कोई साधारण कलाकार थोड़ा ही हूँ, पर तुम लोग तो मेरी कदर ही नहीं समझते। अभी बैठो और सुनो, मैं फिर से गाना शुरू करता। नहीं, अभी नहीं। अभी इतना गाया तो बारिश हो गई, अभी ज्यादा गाओगे तो बाढ़ आ जाएगी। अभी जरा चाय नाश्ता कर लो, खाना खा लो, फिर इत्मीनान से आराम से बैठकर आपका गाना सुनेंगे। भीम सिंह, तुझे तो मैं रस्सी से बांध कर गाना सुनाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले तो डैम में काफी पानी था, लेकिन अब अचानक सूख क्यों गया? ये तो पता नहीं, चलो डैम पे चलकर देखते हैं, कोई तो कारण होगा। कारण चाहे जो भी हो, मगर ऐसी हर मुश्किल का इलाज मेरे पास है। एक बार गांव में ऐसे ही सूखा पड़ा था तो मैं और मेरे पिताजी। अरे रुको, मुझे तो आने दो। हेलो सर, हम लोग नदी को देखने जा रहे हैं। हमें मालूम करना है कि ये नदी का पानी सूख क्यों गया है, बरसात भी हुई है, फिर क्या कारण है? ओके, चलो मैं भी चलता हूँ शिवा। कई दिनों से मैं भी यही सोच रहा था, हम दोनों एक जैसे ही सोचते हैं, हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है। तो मैं ये सोच रहा था शिवा कि इस साल बरसात भी काफी हुई है और नदी में पानी भी था, फिर अचानक ही पानी चला कैसे गया? मैं थक गया हूँ, चलो थोड़ा आराम कर ले और कुछ खा ले। यस, वेरी गुड आइडिया, तुम लोग कुछ खा लो, चलो। सुना है ये नदी आज तक नहीं सूखी, ये अचानक क्या हो गया? वही तो पता करना है। क्या हुआ पेड़ा राम, मैंने तुम्हें कुछ कहा क्या? ये क्या हु, नीचे क्या है? नीचे जमीन है, ऊपर मैं हूँ, बोलो क्या देखूं? जमीन नहीं है, नीचे देखिए सर। अरे नीचे क्या देखूं पेड़ा राम, नीचे रॉक है, मुलायम रॉक, रॉक सॉलिड। हाँ, रॉक के बाल है, रॉक के बाल है। रॉक के बाल है। अरे बचाओ, कोई, ये तो हाथों के पीछे पड़ गया है।
सर, नदी का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया है। ओह, तभी डैम सूख गया। मगर ये नदी का पानी इन पाइप से जा कहाँ रहा है? ये तो बहुत बड़ा गोलमाल है। एसजी इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हमारी नदी का पानी चुरा के बिजली बनाते हैं और हमें सस्ते में बेचते हैं। हाँ शिवा, वाह 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 वाह। अरे ये तो वही बात हो गई कि हमारा नारियल हमारे ही सर पर फोड़ा जा रहा है। हाय, अभी जाकर सबको अरेस्ट करता हूँ शिवा। हाँ, अरे लड्डू सिंह जब इधर तो नो चिंता नो फिकर, मैं अभी ये फेंसिंग काटता हूँ। देखो, शिवा, लगता है तार फेंसिंग में करंट है। अरे कोई करंट वरंट नहीं है लड्डू सिंह जी, आपको चींटियां काट रही है। अरे सुबह से कोई मिला नहीं क्या? हाँ, कभी भालू परेशान करता है, कभी चींटियां। अरे क्या है ये? आदि यूडी, तुम लोग क्यों चीख रहे थे? हमें लगा कि लड्डू सिंह जी को फेंसिंग से करंट लग रहा है, तो हमने भी तो फेंसिंग पकड़ा था, इसलिए हमें भी करंट लग रहा होगा। और तुम लोग बिना करंट लगे ही चीखने की रस्म पूरी करने लगे। तुम दोनों के दोनों टू मच हो। इसमें तो सचमुच करंट है, अब हम अंदर कैसे जाएंगे? यस, लेकिन करंट सिर्फ फेंस तक है, जमीन पे होता तो हमें भी लगता, हम भी फेंस के नीचे से अंदर जाएंगे। मतलब किसी को कोई खतरा नहीं हमसे। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग के अंदर सारे काम लीगल हो रहे हैं। ये तो अंदर पहुंचकर ही पता चलेगा। नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है। हाँ, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। आओ, तुम एक चोर हो, हमारा ही पानी चुरा के हमें ही बिजली बेच रहे हो। यू आर अंडर अरेस्ट। एक मिनट, एक मिनट, तुम लोग किस पार्टी से हो, हीरो या विलन? आओ। हम लोग हीरो हैं, हम विलन को पकड़ते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरा नाम तामझाम है। आओ, मैं एक विलन हूँ, पर मुझे कोई तकिया कलाम नहीं मिल रहा। विलन का कोई तकिया कलाम तो होना चाहिए ना। आओ। अच्छा, हम क्यों तकिया कलाम? ओए, बैठ जाओ बैठ जाओ, पहले तकिया कलाम बताओ और फिर खड़े होना, उससे पहले नहीं हो सकते। बैठे रहोगे तो करंट नहीं लगेगा, खड़े होगे तो करंट लगेगा। अब जल्दी से कोई अच्छा तकिया कलाम बताओ। आहू, ओए। सर, मिल गया, खड़ा हो जाओ। आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
अरे दे जाओ, करंट नहीं लगेगा। आओ आओ, ABCDEFG HIJK LMNOP। अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है? एकदम बकवास। ऐसा लगता है जैसे स्कूल का बच्चा नर्सरी राइम्स बोल रहा हो। अच्छा, ये पकड़। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे शहर के डैम का पानी चुराकर हमी को बिजली। ठहरो ठहरो, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, बैठे रहो। हाँ, खड़े नहीं होना। और क्या है कि विलन के पास एक तकिया कलाम होना जरूरी है ना। आओ। ठीक है अंकल, मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, बताओ बताओ। तो मैं खड़ा हो जाऊँ? करंट तो नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा बच्चे। आओ। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, हमारी चेस की भी स्विच बंद कर दो। अरे पकड़ो इनको। तकिया कलाम बताओ, वरना तुम्हें भी करंट लगाऊंगा। आओ। बताता हूँ बताता हूँ। ये विलेन बेहुदा है, नाम मेरा सर जुड़ा है। ये विलेन बेहुदा है, नाम मेरा सर जुड़ा है। क्या बेहुदा बेहुदा कहा मुझे? हाँ, उल्लू बना गया। बताओ बताओ, तुम बताओ तकिया कलाम, वरना करंट लगा दूंगा। बताओ। हाँ सुनो, ना चप्पल है ना जूता है, नाम मेरा सर जुड़ा है। ना चप्पल है ना जूता है, नाम मेरा सर जुड़ा है। क्या बात है, ना चप्पल है ना जूता है, नाम मेरा सर जुड़ा है। आओ। Huh?
हेरा राम, ये चिड़िया क्यों बोल रही है? सारी जब चोट बहुत गहरी लगती है ना, तो ऐसा ही होता है। अरे पेड़ा राम, कंफ्यूज मत करो। कभी कहते हो तारे दिखते हैं, कभी कहते हो चिड़िया बोलती हैं। अरे एक बार बोलो ना, क्या कहना चाह रहे हो? हैं? सबसे अच्छा तकिया कलाम है, समझे? लेकिन तुम अपना तकिया कलाम बना लो। सॉरी, गलती हो गई। सॉरी, गलती हो गई? नहीं 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 नहीं, ये अच्छा नहीं है। इससे अच्छा तो वो था, ना चप्पल है ना जूता है, ना मेरा सर जुड़ा है। वैसे ये भी अच्छा नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, वहीं जेल में जाकर सोचूंगा नया तकिया कलाम। आओ।